स्वागत है बकलोल दुनिया के YouTube चैनल में और मैं आपका दोस्त सिद्धार्थ सिन्हा लेकर आ गया हूँ एक और नई वीडियो। पहली वेब सीरीज है फ्लेम सीजन 1। ये एक टीन ड्रामा रोमांस है। इसके नंबर ऑफ सीरीज 2 हैं। नंबर ऑफ एपिसोड एक सीरीज का 6 है। एंड अगर हम इसकी IMDb रेटिंग की बात करें तो 9.4 आउट ऑफ 10 है। अगर हम इसकी स्टोरी की बात करें तो ये स्टोरी एक यंग लड़का का है जिसके केमिकल लोचा होने की वजह से लव हो जाता है और उस लड़के का नाम रजत होता है। रजत बहुत ही पढ़ाकू बच्चा होता है जो प्यार में पड़ जाता है एक नई लड़की आई हुई इसिता से। इसिता ट्यूशन में नई लड़की होती है। रजत और उसके बेस्ट फ्रेंड पांडे एंड अनुष्का जो दोनों रिलेशनशिप में हो जाते हैं, इस वजह से रजत को भी अब रिलेशनशिप में आने का शौक पड़ जाता है और ये इक्वेशन बहुत घूमता है, बहुत निकलता है। ये रिलेशनशिप में आएंगे या नहीं, यही इक्वेशन देखने के लिए आपको बेसुरू ज़रूर देखना चाहिए। यह एक बहुत प्यारी और एक प्योर लव स्टोरी है जो आपको ज़रूर देखना चाहिए। आपको देख कर बहुत मज़ा आने वाला है। सेकंड वेब सीरीज है TBF की ट्रिपलिंग। ये 2 सीजन है और ये 2016 की एक बहुत प्यारी सी वेब सीरीज है और ये एक ड्रामा कॉमेडी सीरीज है। इसके नंबर ऑफ एपिसोड 5 है जो 1 सीरीज में है और इसके टोटल 2 सीरीज हैं। और अगर हम इसके IMDb रेटिंग की बात करें तो 8.6 आउट ऑफ 10 है। अगर हम इसके स्टारकास्ट की बात करें तो अनमोल पारेसर चितवम के करेक्टर में है, सुमित व्यास चंदन के करेक्टर में है और मानवी गर्ग वो चंचल के करेक्टर में है। ये तीनों सिबलिंग्स होते हैं। अगर हम स्टोरी की बात करें तो अगर आपके मन में कोई बोले कि चलो हम लोग ट्रिपलिंग पे चलते हैं तो आपके दिमाग में क्या आएगा? चाहे आप गर्लफ्रेंड के साथ ट्रिपलिंग पे जाना पसंद करेंगे या फिर आप बेस्ट फ्रेंड के साथ ट्रिपलिंग पे जाना पसंद करेंगे, पर ये एक ऐसी स्टोरी है जहाँ 3 सिबलिंग्स साथ में ट्रिपलिंग पे जाते हैं और उनकी अपनी स्टोरी दिखाई जाती है कि वो लोग बचपन से कैसे बड़े हुए। उनकी स्टोरी बहुत अजीब होती है, बहुत अलग होती है, बहुत यूनिक होती है। ये वेब सीरीज आपको ज़रूर देखनी चाहिए, इसमें आपको बहुत मज़ा आएगा और ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसा वेब सीरीज है जो आपको दिल को छू जाएगा। बिल्कुल मस्त वेब सीरीज है। इसमें सबसे बेहतरीन आपको करेक्टर में दिखने वाले हैं चंदन और चितवन, मतलब अनमोल पारसर एंड सुमित व्यास। ये दोनों आपके दिल जीत लेंगे, भरोसा कीजिए। बहुत ही प्यारी वेब सीरीज। थर्ड वेब सीरीज़ है कोटा फैक्ट्री। ये 2019 में आई थी और ये आपको TBF प्ले एंड यूट्यूब दोनों पे अवेलेबल मिल जाएंगी। ये एक रियल बेस्ड ड्रामा थी और ये इसके नंबर ऑफ सीजन की बात करें तो 1 है। अभी तो इसके सीजन 2 आने वाली है। और इसके नंबर ऑफ एपिसोड की बात करें तो 5 एपिसोड 1 सीजन में है। और अगर हम इसकी IMDb रेटिंग की बात करें तो 9.2 आउट ऑफ 10 है। अगर हम इसके स्टारकास्ट की बात करें तो इसका स्टारकास्ट में जितेंद्र कुमार, जीतू भैया, एहसान चन्ना, उर्वी सिंह, आलम खान, इसके तो हर एक करेक्टर कमाल है, झकास है, बवाल है। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा करेक्टर दिल में कनेक्ट हो जाएंगे जितेंद्र कुमार, मतलब जीतू भैया का करेक्टर, बिकॉज उन्होंने बहुत प्योरिटी से ये वेब सीरीज़ को निभाया है, इतना प्यार से निभाया, मुझे नहीं लगता कि कोई और ये कर पाता। इसलिए मेरे अंदाज में सबसे बेहतरीन जो इसमें हैं वो हैं जीतू भैया का करेक्टर। अगर इसकी स्टोरी की बात करें तो ये एक रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है। इसमें दिखाया गया है कि कोटा वाले बच्चे का बहुत सारे प्रॉब्लम से और किस्से से प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और एजुकेशनल एंड पर्सनल एंड मेनी प्रॉब्लम्स लाइक दैट। और ये सीरीज़ आपको बताती है कि एक अच्छा टीचर आपके लिए क्या क्या कर सकता है, आप लोग उनसे क्या क्या सीख सकते हैं, आप उनसे क्या ले सकते हैं, क्या दे सकते हैं। अच्छे टीचर आपके दिल में बस जाते हैं और आपको ये वेब सीरीज ज़रूर देखना चाहिए। एक रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है, एक नहीं बहुत सारे रियल स्टोरी से। चौथी वेब सीरीज़ है TBF ओरिजिनल का ही ये मेरी फैमिली। ये एक 2018 की वेब सीरीज़ थी और ये इसके एपिसोड्स 7 हैं और इसके नंबर ऑफ सीजन 1 ही हैं। अगर हम इसकी IMDb रेटिंग की बात करें तो 9.2 आउट ऑफ 10 है और इसको क्रिएटेड एंड डायरेक्टेड बाय समीर सक्सेना। अगर इसके स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें स्टारकास्ट के लीड में है मोना सिंह एज ए अपूर्वा गुप्ता एंड विशाल बंसल एज ए हर्षल गुप्ता, रेबती पिल्लाई एज ए हर्षल लव इंटरेस्ट। और भी बहुत सारे करेक्टर्स हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, पर वो ठीक है, वो आपको वेब सीरीज देख के पता चल जाएगी। अगर हम इसकी स्टोरी की बात करें तो स्टोरी बेस्ड है 1998 के समर वेकेशन से लेकर। यह हर्षू की स्टोरी है जो 12 साल का होता है, छोटा सा बच्चा होता है। उसके फैमिली में
बहुत सारे इश्यूज होते हैं, लाइक फैमिली में पापा डांट देते हैं उसको, मम्मी डांट देते हैं, सबसे वो हेट करता है, पर उसकी एक लव इंटरेस्ट होती है जिस पे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। और उसका एक दोस्त होता है, वो बहुत ही प्यारा दोस्त होता है, आप उसको बहुत बहुत पसंद करने वाले हो। अगर आप वेब सीरीज़ देखोगे तो मुझे लगता है उसके दोस्त पे आप फिदा हो जाओगे, क्योंकि जिस तरह से उसने एक्टिंग किया है, उसने मस्तियाँ की हैं, उसकी बदमाशियाँ दिखाई गई है, हर्षू को बदमाशियाँ दिखाई गई है, उसकी दोस्ती की बदमाशियाँ दिखाई गई है, जो आपको बहुत पसंद आएगी, बिकॉज़ ये आपको कनेक्ट करती है, ये आपके साथ जीती है, आप उस करेक्टर को जीते हैं, आपको लगेगा कि ये मेरा करेक्टर है। इसी वजह से वेब सीरीज बहुत बड़ी हिट रही थी। अगर आपने नहीं देखी तो आप ज़रूर देखें, मेरा राय है आपको देखना चाहिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। पांचवी वेब सीरीज़ है TBS ट्रिपलिंग सीज़न 2। ये 2019 की वेब सीरीज़ है, ये एक ड्रामा कॉमेडी है, इसमें 5 एपिसोड्स हैं और नंबर ऑफ सीजन आप जान रहे हैं सेकंड, और इसको आप TBS ओरिजिनल पे देखने को मिल जाएगा और सोनी ओरिजिनल पे देखने को मिल जाएगा। अगर हम इसकी IMDb रेटिंग की बात करें तो 8.2 आउट ऑफ 10 है, और इसके स्टार कास्ट में सुमित व्यास, अनमोल पारसेकर, मानवी गर्ग को आपने फर्स्ट सीजन देखा ही है तो फिर आपको तो वह स्टोरी अच्छे से आइडिया है, बट ये सेकंड टाइम जाते हैं ट्रिपलिंग पे और इस वक्त में उससे ज़्यादा बदमाशियाँ करते हैं, उससे ज़्यादा मस्तियाँ करते हैं, उससे ज़्यादा मस्ती खोरी करते हैं, बट अब सिबलिंग्स थोड़ा मिच्योर हो चुके हैं, अब थोड़ा वो कुछ मस्तियाँ छूट गई हैं, चितवन अब ज़्यादा समझदार हो चुका है, और समझदार बोल लो या बेवकूफ़ बोल लो आप पे है, लेकिन बिल्कुल मस्त होने वाली है सेकंड सीजन भी, आपको ये सीजन भी देखना चाहिए, बहुत मज़ा आएगा। छठी वेब सीरीज़ है फ्लेम सीजन 2, ये 2019 की वेब सीरीज़ है और ये आपको MX प्लेयर और TBS प्ले पे देखने को मिल जाएगा। ये एक टीन ड्रामा है और नंबर ऑफ़ सीरीज़ सेकंड है आप जानते ही हैं, एंड नंबर ऑफ़ एपिसोड 6 है, और अगर हम इसकी IMDb रेटिंग की बात करें तो 9.3 आउट ऑफ 10 है। इसकी स्टोरी की बात करें तो ये टीनेजर की लव स्टोरी है जो बहुत प्यार से पिरोया गया है, जैसे ट्यूशन वाले प्यार होता है, इनोसेंट सा, प्योर सा, ये वेब सीरीज आपको बिल्कुल प्योर लगने वाली है। ये हम सब की स्टोरी लगती है, सब रिलेटेड सा लगता है, इसीलिए शायद ये वेब सीरीज बहुत बड़ी हिट रही थी, बहुत प्यार मिला था इसको, और ये ऐसा लगता है कि स्टोरी ऑफ एवरी सिंगल टीनेजर लव स्टोरी, सो आपको ना ये आपको कनेक्ट कर देगी, इसी वजह से आपको मजा आएगा।